चौबीसवीं कहानी। यूहन्ना यीशु बै बपतिस्मा दिया सा। एलीशिबा और जकर्याह रा बेटा यूहन्ना बड़ा होइया एक भविष्यवाणी केरनु वाला बणु। सौ जंगला न रहा थी और जंगली माहु और चिचड़े खाया केरा थी और ऊँटा रे चमड़ा रे झिकड़े लाया केरा थी। बहुत सारे लोग यूहन्ना री गैला सुनने री तैयार जंगला न आए। तेइये ऐ बोलिया तिन्हां बै प्रचार केरू, पापा न पश्चाताप केरा, क्योंकि स्वर्गा रा राज्य नेड़ सा। ज़ैबै लोकै यूहन्ना रा समाद शुणु ता तिन्हां मौंझ़ै न बहु लोकै आपणै पापा न पश्चाताप केरू होर यूहन्ने तिन्हां बै बपतिस्मा धिना। यूहन्ना बै हेरने री तैंईंयैं बहुत सारै धार्मिक अगुवै आऐ पर तिन्हैं आपणै पाप नी मन्नै। यूहन्ने धार्मिक अगुवै सैंघै बोलू, ओ जहरीलै कीड़ेओ, पापा बै मन्ना होर आपणै बर्तावा बै बदला। परमेश्वरा हर सौ बूटा काटणा जो शुभला फल नी आणदा होर तेई ते औगी न फूकणै। जो भविष्यवाणी केरनु आले बोलू ती यूहन्ने सौ पूरा केरू। फिर छेके मूँ तेरे आगे अपणै दूत भेजणै जुणी तेरी तैंईंयैं बहुत त्यार केरनी। किछ धार्मिक अगुवै यूहन्ना न पुछू कि सौ मसीह सा। यूहन्ने जवाब धिना, हांऊँ मसीह नी आथी, पर सौ मेरे बाद एणु आला सा। सौ इतरा बड़ा सा कि हांऊँ तेरे बूटे रे तस्मे खोलणै रे काबिल भी नी आथी। अगले रोज यीशु बपतिस्मा लेणै री तैंईंयैं यूहन्ना आगै आऊ। ज़ैबै यूहन्ने सौ हेरू ता तेइये बोलू, हेरा परमेश्वर और मेमणा जुणियै दुनिया रे पाप चकिया नेणै। यूहन्ने यीशु सैंघै बोलू, हांऊँ तौभै बपतिस्मा देणै रे काबिल नी आथी, बल्कि ये जरूरी सा कि तुसै मुंबै बपतिस्मा देआ। पर यीशुऐ बोलू, तू मुंबै बपतिस्मा दे, किवैकि इतरी घेरे केने री तैंईयैं सही कौम ऐसा। तैबै यूहन्ने बपतिस्मा धिना, ज़ैबै कि यीशुऐ कैदी पाप नी केरू ती। बपतिस्मा देणै न बाद ज़ैबै यीशु पाणी न निकलिया बाहरै आऊ ता परमेश्वरा री आत्मा कबूतरा रै रूपा न प्रगट हुई और बुने एजिया तेई पैंदै रुकी। तेई बोक्त परमेश्वरै स्वर्गा न गैला केरी, तेइये बोलू, तू मेरा प्यारा बेटा सा, हांऊँ तौ सैंघै झुरी केरा सा, हांऊँ तौ न बहुत खुश सा। परमेश्वरै यूहन्ना बै बोलू, पवित्र आत्मा बुने उसिया कौसी पैंदै एजिया ठहरनी जुणिबै तौ बपतिस्मा देणा। सौ परमेश्वर रा बेटा सा। परमेश्वर एक ऐसा, पर ज़ैबै यूहन्ने यीशु बै बपतिस्मा धिना ता तेइये परमेश्वर पिता गैला केरदा शुणु। बेटे परमेश्वर हेरू जो कि यीशु सा होर तेइये पवित्र आत्मा हेरी।